फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चुकंदर का हलवा। ये ब्लड तो बढ़ाता ही है, साथ ही स्किन में ग्लो भी ले आता है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 चुकंदर ले लिया है। मैंने इसका छिलका निकाल दिया और पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले हम एक एक चुकंदर को लेकर के इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। संभाल के करना है कद्दूकस, नहीं तो हाथ में चोट भी लग सकती है, क्योंकि ये नुकीला होता है जो हमारा कद्दूकस होता है, तो इसलिए संभाल कर एक एक को करके कद्दूकस करें। अगर आप एक एक कद्दूकस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीसेस कर लें छोटे छोटे, फिर उसे कद्दूकस करें। तो बस ये मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई को गैस पर रख देंगे, वो भी हाई फ्लेम पर, जिससे कढ़ाई जल्दी गर्म हो जाए। और इसमें 4 चम्मच घी डाल देंगे। जब घी गर्म हो जाए फिर इसमें हम डाल देंगे चुकंदर। चुकंदर डालने के बाद आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लें। 5 मिनट भूनने के बाद इसकी क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, तो हम यहाँ अभी सबसे पहले इसे 5 मिनट के लिए इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेना है। आप देख सकते हैं मैं इसे लगातार चला रही हूँ, तो आप भी इसे लगातार चलाएं। और अगर आप छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए तो इसे लो फ्लेम पे करके छोड़ दें, लेकिन ज़्यादा देर के लिए ना छोड़ें, बहुत ही कम टाइम के लिए छोड़ें और फिर इसे चला लें। तो बस इसे 5 मिनट के लिए हमें भून लेना है। चुकंदर को आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इसे सलाद में भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्ज़ी भी बनाकर खा सकते हैं, बट इसका हलवा बहुत टेस्टी होता है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही सिर्फ 2 मिनट के लिए और भून लेना है, क्योंकि अब ये एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। तो इसे अब 2 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए भूने, इसे छोड़े नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो अब ये कढ़ाई में लग जाएगा, तो उससे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस अब 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम दूध डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पूरा 1 ग्लास दूध का यूज़ किया है, बट अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/2 ग्लास दूध ही डाला है। तो 1/2 ग्लास दूध डालकर इसे चला लेंगे इस तरीके से अच्छे से, और जब इसमें दूध थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद हम 1/2 ग्लास दूध इसमें और डाल देंगे। तो बस अब इसमें 1/2 ग्लास दूध जो बचा है वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर दें और इसे मिक्स करते हुए अच्छे से चला लें, कि जिससे इसमें जो दूध है वो एब्जॉर्ब हो जाए पूरा अच्छे से। दूध को थोड़ी देर पका लें और अब फिर इसमें डाल देंगे चीनी। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, जितना मीठा आपको खाना है उतना मीठा रखें। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 चम्मच चीनी का ही यूज़ किया है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे तब तक के लिए भूनेंगे जब तक कि दूध इसमें पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता और ये जो हमारा हलवा बन रहा है वो एकदम अच्छा सा सूखा सा नहीं हो जाता। तब तक हमें इसे हाई फ्लेम पे भूनना है। तो बस इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट बस भून लें, उसके बाद ये पूरा दूध इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। ये एक इंस्टेंट रेसिपी है, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए और सेहतमंद रहिए। बस अब इसे अच्छे से चला लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें दूध एब्जॉर्ब होने लगा है, बहुत थोड़ा सा ही दूध रह गया है इसमें।
तो उसे भी अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि वो भी दूध इसमें अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। तो बस अब ये देखिए ये कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है, और आपका हलवा बस 2 मिनट का टाइम लगेगा और आपका हलवा एकदम रेडी है। तो बस इसे अब 2 मिनट के लिए भून लेंगे हम, मीडियम फ्लेम पे इसे भूने, मीडियम फ्लेम कर दें नहीं तो अब ये हलवा जल जाएगा। तो बस इसे 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से। मैंने इसे 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लिया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो डाल दें, और क्योंकि कढ़ाई तो अभी गर्म है तो इसलिए इसे थोड़ी देर अब इस तरीके से चला लेंगे अच्छे से, जिससे कि कल जो हमारा हलवा है वो जले नहीं। तो बस अब ये रेडी है, इसे एक बोल में निकाल कर सर्व कर देंगे, और इस पर भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अभी आपका हलवा बनकर रेडी है, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और सेहतमंद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।